नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी आलू की लाजवाब चटपटी और बिल्कुल अलग रेसिपी, जो आपने शायद आज से पहले कभी ना देखी होगी और ना ही खाई होगी। वैसे तो गोभी आलू सभी घरों में बनते ही हैं और साथ में शादी पार्टियों में तो सबको बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके की गोभी आलू की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे खाने के बाद आप शादी पार्टी की गोभी आलू भी भूल जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक गोभी का फूल, जो ग्राम के हिसाब से आधा किलो के करीब था, और इसके हमने छोटे छोटे फूल काटे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी इसे हमने वॉश नहीं किया है, इसके डंठल वगैरह को तो मैंने हटा दिया है, और इसके जो सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम हरे हरे पत्ते होते हैं ना, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसमें पूरा गोभी का फ्लेवर होता है, लेकिन इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। इसके साथ ही मैंने ले लिए थे चार आलू, ज़्यादा बड़े आलू नहीं हैं, ये थोड़े छोटे और मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं हमने, और ये कच्चे आलू हैं, और ये ग्राम के हिसाब से ये 300 ग्राम के करीब आलू हैं, ये कच्चे आलू हैं। पहले तो हम इन सभी आलू को छील कर तैयार कर लेंगे। देखिए, आलूओं को हमने छील लिया, अब काटना कैसे है, आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। मैं एक आलू के चार भाग कर रही हूँ इस ढंग से। सभी आलू को काट लें और अच्छे से वॉश कर लें। पतीले में ना 2.5 ग्लास के करीब पानी उबलने रख दिया था। देखिए, पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक। मैंने आलूओं को तो दो बारी वॉश कर लिया था, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। पहले मैं आलूओं को डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद मैं इसमें गोभी भी डाल दूंगी। गोभी को अभी मैंने वॉश नहीं किया था, इसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबालने के बाद क्या होगा कि जो गोभी है ना, वो सॉफ्ट भी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी और अच्छे से जो इसकी साफ भी हो जाएगी। अगर इसमें कोई कीड़ा वीड़ा होगा वो भी निकल जाएगा। हाई मीडियम फ्लेम पर इसको हमने उबालना है 3 से 4 मिनट के लिए, चाहे आप ढककर उबाल लें चाहे खुले में उबाल लें। देखिए, 4 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि गोभी बहुत अच्छे से जो साफ हो चुकी है, आलू भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, गोभी भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका पानी झाड़ करना, हम एक बर्तन में निकाल लेंगे इसको। हम लेंगे एक छोटा पैन, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया, 5 से 6 मैंने लिए सूखी लाल मिर्चें, ये कम तीखी वाली मिर्ची ली है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा तीखी वाली भी ले सकते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए हमने मीडियम गैस पर भून लेना है, ऐसे ही चलाते हुए। देखिए, 1 मिनट हो चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब लेंगे मिक्सी का जार, मैंने लिए थे 2 टमाटर, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था, उनकी कैप हटा दी थी, इसको हम रफली चॉप कर लेंगे दोनों टमाटर को। इसमें मैंने खट्टे वाले टमाटर का यूज़ किया है इसमें, और इन चीज़ों को भी ना, जो धनिया और मिर्ची है ना, उसको भी इस जार में डाल देंगे, ये हल्के हल्के ठंडे हो चुके हैं। और जो गोभी के पत्ते लिए थे ना मैंने, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, वो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही मैंने ले लिया था फ्रेश नारियल, ये आधा कटोरी के करीब है। अगर आप कप से नाप रहे हैं तो ये आधा कप है, आप चाहें तो सूखा वाला नारियल भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नारियल का बुरादा यूज़ करें तो 2 टेबलस्पून के करीब लें, और इसको अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। इसे हमने पीस कर तैयार कर लिया है, इसके पीसने में 2 टेबलस्पून के करीब पानी लगा है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। हींग से टेस्ट भी अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, पहले इन दोनों चीजों को अच्छे से चला देंगे, जीरा अच्छे से फूल जाए। ये हो गया। मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। प्याज को हमने पहले भून लेना है 2 मिनट के लिए, जो प्याज है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए, प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही डालूंगी मैं कुछ मसाले। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। दोनों चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर दे। ये मिक्स हो गया,
अब इसमें हमने गोभी आलू दोनों को डाल देना है और गैस को कर देंगे मीडियम। अब इन दोनों चीजों को मिक्स करते हुए हमने भुनना है 3 से 4 मिनट के लिए। इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और हमें अलग से फ्राई करके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया, हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम वो पेस्ट भी डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा है मिक्सी में। पेस्ट डालने के बाद, थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है इसमें मिक्सी में, तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूं। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे। देखिए तेज गैस पर उबाल आ गया। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम, इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले इसे हम थोड़ा सा चला देंगे। चलाने से ही आपको पता चल जाएगा कि थोड़ी सी अभी आलू में कसर लग रही है। मैं इसमें पानी का और यूज नहीं कर रही हूं। अब इसमें डाल देंगे इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अगर आपको लगे ना इसमें पानी की जरूरत है तो हल्का सा छींटा दे सकते हैं आप। मिक्स कर दें, फिर से मैं इसको ढक दूंगी लो मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए। एक बार इसे मैं चला भी दूंगी बीच में। 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, एक बार इसको हमने बीच में चला भी दिया था। पहले तो हम इसे चलाएंगे और देखेंगे कि अच्छे से पक चुके हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको आलू दिखाती हूँ। देखिए आलू भी ना बहुत अच्छे से गल चुका है, गोभी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये सब्जी बनकर तैयार है। अब इस ढंग से गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।